नमस्ते फ्रेंड, मैं संजय न्यू टेरेस गार्डनिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम अलमंडा की वाइन के बारे में बात करेंगे कि इसकी केयर कैसे करें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लाने के लिए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ पौध लगाए हुए हैं, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये गेंदा है, ये देखिए बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। ये देखिए, ये बारहमासी बोलते हैं इसको। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये देखिए, ये मेरी अलमंडा की वाइन है, इसमें देखिए कितने सारे फ्लावर्स और बर्ड्स आ रहे हैं। मेरे जब भी ओरियो का वीडियो बनाता हूँ, कोई भी वीडियो, तो उसमें वाइन जरूर दिखाता हूँ। तो मेरे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि इसकी केयर कैसे करें, तो आज मैं इसी के बारे में बात करूँगा। तो पहले इसकी मिट्टी की बात कर ले हम, तो आपने इसकी अच्छी सी वेल ड्रेन मिट्टी बनाई होगी, कैसे भी मिट्टी में ये चल जाती है। पर गमले में लगाया है तो इसमें 70% गार्डन सोय डालिए और 30% खाद डाल दीजिए, गोबर की खाद हो या किचन वेस्ट कंपोस्ट हो, कुछ भी डाल दीजिए आप, तो आसानी से चल जाएगी। बार बार इसको आपको खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको धूप अच्छी चाहिए, आप जहाँ भी लगा रहे हो तो जगह को देखिए कि इसको कम से कम 4 या 5 घंटे की धूप मिल जाए, कि जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी उतने अच्छे से ग्रो होगी और फ्लावरिंग करेगी। देखिए, धूप में बहुत अच्छे से चलती है, गेट पे लगाने में बहुत अच्छी रहती है। गेट पे, गेट के आगे लगाए हम करके, गेट के आगे, तो वहाँ भी बहुत खूबसूरत दिखती है ये। और मैंने ये एक टीन के डब्बे में लगाई है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक साल हो गया, देखिए है ना, अभी इसकी जड़ भी बहुत बाहर आने लगी है। मैं कुछ नहीं करता इसमें, बस गुड़ाई करने की, और गुड़ाई करके इसके बाद थोड़ी सी गोबर खाद डाल देता हूँ, 3-4 मुट्ठी, और थोड़ी सी बस ऊपर नीचे मिट्टी करके इसको पानी डाल देता हूँ हर, मतलब अब 20 दिन या 15 दिन या जो भी टाइम हो फिक्स कर ले टाइम, उस टाइम पे क्या करें, इतने दिन के अंतर में आप उसमें गुड़ाई करके अच्छे से खाद डाल दीजिए और पानी दे दीजिए, तो बहुत अच्छे से चल जाएगी। अगर आप इसको कटिंग से ग्रो करना चाहते हो, कहीं से आपको कटिंग मिले तो भी आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हो, इस रेनी सीजन में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। ये देखिए, इसकी कोई भी ऐसी ब्रांच ले लीजिए, यहाँ से कट कर लीजिए, इतनी सी, बहुत मोटी मत लीजिए और पतली भी मत लीजिए, ऐसी ब्रांच लेके कट करके आप इसको बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हो। और ज़्यादा केयर इसकी नहीं करनी पड़ती, बस मैंने बताया ना आपको कि इसको धूप में रखिए आप, ऐसी जगह पे जहाँ धूप मिले अच्छी सी, छत पे, टेरेस पे लगाना चाहते हैं तो भी बहुत आसानी से लग जाती है, आप गमले में लगाए तो भी आसानी से चल जाती है, और प्लास्टिक के बोरे में भी मैंने इसको लगाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए इसकी फ्लावरिंग मैं दिखा रहा हूँ, बहुत हैवी ब्लूमिंग कर रही है, ये देखिए। बस सर्दियों में इसकी थोड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, सर्दियों में इसकी थोड़ी थोड़ी सूखने लगती है, क्योंकि इसको गर्मी ज़्यादा पसंद है इसीलिए। तो एक मैंने और लगाई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने प्लास्टिक के बोरे में लगाई है, ये वाले में देखिए, इसको भी 1 साल होने को आया। देखिए ये इसकी जड़ है, ये भी देखिए कितने अच्छे से, और इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए, और पूरी ऊपर तक ऐसे फैली हुई है।
पहले मैंने इसको ज़मीन में लगाया था, वहाँ धूप नहीं मिल रही थी, तो इसलिए यहाँ छत पे ला के लगा दिया बोरे में। तो बहुत खूबसूरत वाइन है, ज़रूर आप अपने गार्डन में ऐड कीजिए फ्रेंड्स। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।